नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की खबर। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से है, जहां जन्माष्टमी के मौके पर सीएम ने कृष्ण जन्मभूमि पहुंचकर श्री कृष्ण का विधि विधान से पूजन किया। वहीं मंदिर में महंतों ने पगड़ी बांधकर और माला पहनाकर सीएम योगी का स्वागत किया। इस दौरान सीएम योगी समेत कई विधायक भी मौजूद रहे। खबर कानपुर से है, जहां पर जन्माष्टमी की धूम मची हुई है। जिले के कौशलपुरी में सनातन धर्म मंदिर की आर्ट गैलरी में जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान कृष्ण और अपने देश के महापुरुषों की तस्वीरें लगाई गई हैं। तो वहीं मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है, ताकि आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में जो देखा जाए, सनातन धर्म मंदिर जो कौशलपुरी में है, उसमें आज देखा जाए तो झांकी को लेकर के बहुत तरह तरह की जो है वॉल पेंटिंग लगी हुई है। पर इस वॉल पेंटिंग जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि नजर आ रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से भगवान के बाद जो है जो देश के महापुरुष हैं उनकी फोटो या तस्वीरें नजर आ रही हैं। अपना कैमरा से हिमांशु कराऊँ दिखाएं कि जिस तरीके से अमृत महोत्सव जो पूरे देश मनाया जा रहा था, पर आज जो मंदिर है, इस मंदिर पे पूरी तरीके से आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है एक बहुत बड़ा प्रतीक है, सिंबल है, लोगों को पब्लिक को जो है एक समाज मैसेज देने वाला है। कहीं ना कहीं देखिए मंदिर में ये आज जो है तिरंगा जो है हिंदू जो है तिरंगा झंडा जो है वो भी इस मंदिर दिखाया गया, ये एक मैसेज दे रहा है। उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरे मंदिर पर जो है तैयारियां हो चुकी हैं, तैयारियां बिल्कुल लगातार जारी हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो आज जो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की बात करी जाए तो जो आसपास के क्षेत्र के जो पुलिस कर्मी हैं वो पूरी तरीके से तैनात हैं। आइए हमारे साथ इस मंदिर के जो है पुजारी जी हैं, वो बताएंगे कि जो किस तरीके से समाज में पूजा करनी है। क्या नाम है आपको? पंडित शिव कुमार मिश्रा मेरा नाम है, और मैं यहाँ पर सनातन धर्म मंदिर में करीब करीब 32-33 साल से मैं यहाँ पर प्रमुख पुजारी पद पर हूँ। पंडित जी, इस सनातन मंदिर में जो कृष्ण भगवान की झांकी हर बार तरह तरह लगती है, इस बार जो देखा जाए कहीं ना कहीं जो अमृत महोत्सव जो है दिखाया जा रहा है, मतलब समाज को मैसेज दिया जा रहा है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? मेरे इसमें ऐसा है कि हमारे यहाँ मंदिर का हमने नया निर्माण चालू किया है, इस वजह से हमने जो झांकियाँ हम प्रतिवर्ष सजाते थे वो झांकियाँ ना सजा करके जो हमने 1947 में देश आज़ाद हुआ था उसके विषय में आज हम 75वां वर्ष मना रहे हैं, तो उसका मनाया गया। तो उस उपलक्ष्य में हमने जितने भी बड़े महान पुरुष थे उनके, जैसे आज चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी इत्यादि, ऐसे इनके महान हमने पोस्टर लगा रखे हैं। और जन्माष्टमी का जो पूजन हम लोग करते हैं, और रात्रि को हम 6:30 बजे ठाकुर जी को झूला पे झुलाते हैं कि हमारा एक कार्यक्रम के जो दर्शनार्थी आते हैं उनको जरा देखना भी पड़ता है, तो इसलिए इसके रात को फिर हम 11 बजे ठाकुर जी को झूला से उतार करके और उनको वस्त्र वगैरह उनके चेंज करके इसके बाद फिर 12 बजे ठीक जन्मोत्सव का प्राकट उत्सव मनाते हैं और उनका अभिषेक करते हैं। दूध दही घी शक्कर शहद इत्यादि से पूरा अभिषेक करने के पश्चात फिर भगवान को पुनः मार्जन करते हुए और फिर इसके पश्चात भगवान को वस्त्र पुनः पहना करके फिर भगवान की हम आरती करते हैं। आरती करके फिर भगवान को भोग लगा करके फिर भगवान को शयन करा देते हैं। इस तरीके से मेरे पूजा, जैसा कि आपको बताया चले पंडित जी ने आपको पूरी बताया किस तरीके से जो पूजा पाठ करना है किस तरीके से, और उसके बाद कहीं ना कहीं देखा है तो पंडित जी का साफ कहना है कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है वो हम लोग अभी और मनाएंगे, और क्योंकि आज जो जन्माष्टमी है उस पर भी एक ये प्रतीक है अमृत महोत्सव पर जो शहीदों की फ़ोटो जो महापुरुषों की फ़ोटो लगी हुई हैं, ये एक अपने आप में समाज में प्रतीक देता है। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ उपेंद्र साना, कानपुर। भारत में हर त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जन्माष्टमी भी उन त्यौहारों में से एक है। आपको बता दें कि हिंदू धर्म के मुताबिक भाद्रपद की अष्टमी को श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इन्हीं मान्यताओं के मुताबिक भाद्रपद में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण त्रिदेवों में से एक भगवान विष्णु का अवतार है, इसलिए कई लोग श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाने के लिए व्रत भी रखते हैं। खबर गोंडा के खरगुपुर नगर कोतवाली से है, जहां जगह जगह बड़े ही धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण की झांकी और पूजा पाठ किया जा रहा है। हर जगह जन्माष्टमी की धूम मची हुई है। जन्माष्टमी के मौके पर विशेषकर भक्तों में काफी प्रेम और उत्साह देखने को मिल रहा है। थाना धानेपुर में ये कार्यक्रम विगत कई वर्षों से प्रारंभ होकर के चला आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यहाँ बड़े धूमधाम से भक्तजनों द्वारा संपन्न कराया जा रहा है। हर वर्ष की अपेक्षा हमेशा जागरण वगैरह उच्च कोटि के कलाकारों द्वारा संपन्न होती है। भव्य आयोजन और का नाम के ये भोजन का भी व्यवस्था यहाँ कई वर्षों से चला आ रहा है।
समस्त भक्त जनों का यहाँ भोजन प्रसाद भी ग्रहण कराया जा रहा है। भारतीय परंपरा के अनुसार श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। माना यह जाता है कि आज श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। भारतीय परंपरा में वैसे तो तमाम त्यौहार पड़ते हैं, लेकिन उसमें से 16 कलाओं में से एक ये श्री कृष्ण भगवान हैं जिनका आज जन्मदिन है। और ये जन्मदिन का पर्व हम सब बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। देखा जाए तो ग्रामीण से लेकर के नगर तक, नगर से लेकर क्षेत्र तक, मुख्यालय तक ही बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसी क्रम में आप देखिए तो थाना धानेपुर हो गया, गोंडा हो गया और पुलिस लाइन हो गया, हर जगह जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और जन्म कृष्ण भगवान के रूप में जन्म लिए थे। माना यह जाता है कि उस समय देवकी के भाई कंस का अत्याताई बड़ा ही जो है अराजकता अत्याताई फैला हुआ था। उस समय श्री कृष्ण भगवान पाप को ख़त्म करने के लिए धरती पर पैदा हुए थे, अवतार लिए थे। अब ये माना जा रहा है कि तभी से श्री कृष्ण भगवान का हम और हमारे भारतीय परंपरा के लोग जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। गोंडा से प्राइम टीवी के लिए खेमराज मिश्रा। खबर गोरखपुर के पुलिस लाइन से है, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर हर जगह झांकियां सज रही हैं। आपको बता दें कि राधा कृष्ण साधना मंदिर और जलकल में हर साल धूमधाम से भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव को मनाया जाता है, जिसके चलते मंदिर प्रशासन सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई है। कृष्ण जन्माष्टमी की धूम पूरे देश में है। ऐसे में गोरखपुर में बात करें सीएम योगी के गढ़, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं गीता वाटिका मंदिर में। गोरखपुर का सुप्रसिद्ध मंदिर है। कृष्ण जन्माष्टमी और राधा अष्टमी दोनों ही यहाँ मनाई जाती है, बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। बात करते हैं यहाँ पे इस मंदिर के कार्यकर्ता हैं, किस तरीके से झांकी सजाई जा रही है और कितना वक्त लगता है और किस तरह की भीड़ रहती है। भैया दो कम से मान कर चले कि 2-3 दिन आपको सजाने में टाइम लगता है, और चूंकि श्रृंगार तो उसी दिन होता है जिस दिन आज का आज जन्माष्टमी है। आज श्रृंगार ही सुबह से 6 बजे से श्रृंगार का कार्यक्रम ही चल रहा है, और भीड़ बता रहे हैं, भीड़ की तो कोई बातें नहीं। अभी आप शाम को देखेंगे यहाँ से और गेट तक तिल रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतना ज़्यादा भीड़ हो जाती है। अगर भीड़ कंट्रोल ना किया जाए तो ये तो लोग आते हैं तुरंत दर्शन करके अपना स्थान तक चलते जाते हैं, लेकिन अगर यहाँ बैठे तो असंभव जा बैठना मुश्किल हो जाएगा, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है सर। कृष्ण जन्माष्टमी के साथ बात किया जाए तो राधा अष्टमी की भी एक यहाँ पे धूम होती है, बड़े धूमधाम से राधा अष्टमी खासकर मनाया जाता है। राधा अष्टमी हमारे यहाँ का वर्ष का सबसे बड़ा महोत्सव माना जाता है, और राधा अष्टमी की तैयारी 3 तारीख को राधा अष्टमी, 3 सितंबर को राधा अष्टमी है, उसके कम से कम आज कम तो 2-3 दिन पहले से ही उसकी तैयारी में सब लोग लग गए हैं। बिल्कुल, कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी में 2 दिन पहले से सभी लोग जाते हैं। खासकर यहाँ पे बात करें तो प्रसिद्ध गीता वाटिका मंदिर और पुलिस लाइन जलकल, ये मुख्य केंद्र होते हैं जहाँ पे धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। लेकिन गीता वाटिका की बात करें तो यहाँ पे राधा अष्टमी बड़े ही धूम से मनाई जाती है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और 3 सितंबर को राधा अष्टमी धूमधाम से मनाई जाएगी। गोरखपुर से हिमांशु श्रीवास्तव, प्राइम टीवी। खबर कानपुर से है, जहां हर जगह श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी मंदिरों में श्री कृष्ण का पंचामृत से महाभिषेक किया जाएगा। वहीं स्कूली बच्चों ने भी झांकियों के लिए डांस प्रैक्टिस कर ली है। आपको बता दें कि सनातन धर्म के मंदिरों में श्रद्धालु उत्साहपूर्वक जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे। पूजा के बाद आरती और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी किया जाएगा। मंदिर का निर्माण सन 1950 के दरमियान हुआ था और अभी तक चलती तो झांकियाँ लगातार चलती रही हैं, लेकिन मंदिर भवन जीर्ण शीर्ण होने के कारण उसका निर्माण कार्य चालू किया गया है, जिससे अभी चलती तो होने की इस साल संभावना है। किस तरीके का कार्यक्रम आज किया जाएगा? इस पोस्टर लगे हुए हैं मंदिर की सफाई और हर
चीज से गुब्बारों से सजाया हुआ है और इस प्रकार से पूर्ववत झांकी के अलावा सभी कार्य पूर्ववत जैसे सजीव चलते रहें वैसे चलते रहें। खबर बुलंदशहर के कोतवाली से है जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार चोरों के पास से 31 एक्टिव स्कूटी और बाइक बरामद की गई है। थाना कोतवाली देहात के मंडी चौकी टीम द्वारा एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया है आज, जिसके पास से कुल 32 वाहन बरामद हुए हैं। इसने पूछताछ में इसने ये बताया कि ये एक मैकेनिक का काम करता है और यहाँ से बस पकड़ के अलग अलग जनपदों में जाता है और वहाँ से जो भी गाड़ी में इसकी मास्टर की फिट हो जाती है उस गाड़ी को लेकर चोरी कर वो यहाँ ले आता है। जो 32 गाड़ियाँ बरामद हुई हैं उसमें से 30 एक्टिवा गाड़ी है और एक मोटरसाइकिल है और एक अन्य स्कूटी है। इसने ये भी बताया कि ये ऑन डिमांड फिर इसको बिक्री करता है। इसने इन चोरी के वाहनों को बिक्री कर यहाँ से लेकर कानपुर तक बेच रखा था, जो कि आज बरामद किए गए हैं। खबर सोनभद्र के अनपरा थाना से है जहां पर पुलिस का अपराध और अपराधियों को रोकने का अभियान जारी है, जिसके चलते पुलिस ने चोरी के शामिल 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया गया है। ये जो चोरी करने जाते थे एक कार से चोरी करने के लिए जाते थे, कार में चोरी का सामान लाद के और ये लोग निकल जाते थे। रास्ते में किसी को शक भी नहीं होगा, कोई आदमी सोचेगा भी नहीं कि चोर कार से आए हैं और चोरी करके कार में सामान लेके जा रहा है। उस कार को भी पुलिस ने बरामद किया है और ये इनके द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। इनके साथ में और भी जो लोग हैं, एक व्यक्ति वांछित है, उसकी भी तलाश की जा रही है। उसके पकड़े जाने से और भी चोरी की घटनाओं का खुलासा होगा। बुलंदशहर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है जहां लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले 4 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही कब्जे से 1,19,000 रुपए नकद और एक स्विफ्ट डिजायर कार, अवैध असलाह कारतूस बरामद किया गया है। थाना जहांगीराबाद में कुछ दिन पहले एक शराब के सेल्समैन से लूट की गई थी, जिसमें की एक डिजायर गाड़ी का होना बताया गया था। इस क्रम में थाना जहांगीराबाद और SOG की टीम को लगाया गया था इस घटना के अनावरण के लिए, जिनके द्वारा आज 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से लूटी हुई 1,00,000 लगभग रुपए कैश, वो गाड़ी जो कि घटना में इस्तेमाल की गई थी, और कुछ अवैध हथियार इनके पास से बरामद किए गए। खबर गोंडा से है जहां करीब 2,00,000 कार्ड धारकों को अनाज नहीं मिल पाया है, जिसके चलते गरीब राशन कार्ड धारकों को भूखे पेट सोना पड़ रहा है। आपको बता दें कि 40% कोटेदारों को अनाज नहीं मिल पाया है, जिससे नाराज कोटेदारों ने जमकर प्रदर्शन किया। खाद्यान्न उठान को लेकर हम लोग यहां आए हैं। हमारे ब्लॉक में 73 कोटेदार हैं, जबकि आज 19 तारीख हो गया, अभी 39 लोगों का खाद्यान्न मिला है, अभी 34 लोग अवशेष हैं। गोदाम प्रभारी द्वारा बार बार फोन करने पर ये नहीं समुचित उत्तर दिया जा रहा है कि आप जो अवशेष कोटेदार हैं उनको कब तक खाद्यान्न मिल जाएगा। अब तक 77% आवंटन का उठान हो चुका है और लगभग 60% उचित दर विक्रेत राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका है। शेष जो कोटेदार बचे हुए हैं उनके संबंध में भी संभागीय खाद्य नियंत्रक महोदय देवी पाटन द्वारा यह आदेश किया गया है कि विपणन केंद्रों पर जो पूर्व का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का खाद्यान्न बचा हुआ है उससे उचित दर विक्रेताओं को यथासंभव निकासी दिलाई जाए और अधिक से अधिक वितरण सुनिश्चित कराया जाए। फर्रुखाबाद में मुख्यमंत्री के गौ संरक्षण अभियान ने नया आयाम हासिल किया है। जन्माष्टमी के अवसर पर DM संजय कुमार सिंह के द्वारा
याकूतगंज स्थित गौशाला में गोबर गैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया, जिससे गौशाला में विद्युत आपूर्ति एवं गौशाला से 300 मीटर दूरी पर स्थित प्राथमिक विद्यालय नगला जखा में प्रतिदिन मिड डे मील भी बनाया जाएगा। लखनऊ के नवनिर्मित थाने में शुमार दुबग्गा थाना और सर्विलांस टीम को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें ई रिक्शा सवार मालिकों को नशीला पदार्थ खिलाकर उनसे लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से करीब 10 ई रिक्शा की कीमत 18 लाख बताई जा रही है, नकदी, मोबाइल और 3 कटे हुए ई रिक्शा बरामद किए हैं। पुलिस ने विधिक कार्रवाई कर सभी 3 आरोपियों को जेल भेज दिया है। खबर बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र से है, जहां एक फैक्ट्री में दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद से फैक्ट्री मजदूरों में हड़कंप मच गया। वहीं मृतक की बॉडी लेकर परिजनों समेत दर्जनों किसान धरने पर बैठ गए। हादसे के बाद से मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है, वहीं मामले में पुलिस जांच कर रही है। सुल्तानपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपराधी सराज अहमद की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क किया है। पुलिस ने लगभग 3 करोड़ की जमीन और लाखों के वाहन जब्त किए हैं। बता दें, डीएम रवीश गुप्ता के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक और अप जिलाधिकारी ने ये कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक सराज अहमद पुत्र मंसूर अहमद साल 2006 से अपराध जगत में सक्रिय है। उसके खिलाफ 18 मुकदमे दर्ज है। सराज के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। 2019 को ये क्लोज की गई है, उसी सेम मुकदमे में 492/15 के थी, उसी में कोतवाल साहब ने दोबारा, यानी कि पुलिस और प्रशासन मिल करके दोबारा सेम मुकदमे में भी, मैं इसको दोबारा कहना के ये आज गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है, जबकि एक बार हो चुकी है। और ये परंपरागत हमारी ये पैतृक है, मेरा मकान 1967 का है, लोलीपुर का, जब मैं बच्चा था, आज भी मेरे फादर के नाम बनामा है वो। ये आगे की जो जमीन 272 जो हमारी पाइप फैक्ट्री है, ये भी मेरे फादर के नाम है, 272 नंबर। इस शासन के मंशा के अनुरूप जो अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए जो कार्रवाई हो रही है, इसमें जो एडीजी जोन लखनऊ के मार्ग निर्देशन में और डीआईजी रेंज अयोध्या के निर्देशन में हम लोग द्वारा आज एक सिराज अहमद हैं, इनके पिता का नाम मंसूर है, लोलेपुर के रहने वाले हैं, जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं और इसके द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत संपत्ति अर्जित की गई थी, जिसमें आज 3,64,00,000 रुपए की कुर्की की गई है। खबर बनारस से है, जहां गंगा का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वहीं केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक जलस्तर की गति 3 सेंटीमीटर प्रति घंटा है और एक गंगा चेतावनी बिंदु से लगभग 1.25 मीटर और खतरे के निशान से 2.25 मीटर नीचे बह रही है। इसी के चलते तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सुरक्षा के लिए वहां पुलिस के जवान मुस्तैद कर दिए गए हैं। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में लगातार बारिश होने के कारण आपको बता दें कि गंगा नदी भी अपने पूरे उफान पर है। तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा कि देखिए, ये 80 घाट है, यहीं से सुबह बनारस की शुरुआत होती है। देखिए बोर्ड पर आप लिखा हुआ है सुबह बनारस, यहाँ सुबह भी आरती होती है और शाम को भी आरती होती है। यहाँ सुबह ही शुरुआत होती है आरती की। इस वक्त हम मौजूद हैं 80 घाट पर। आपको बता दें कि देखिए, पानी जो है वो पूरी तरीके से सीढ़ियों पर चढ़ चुका है और कुछ ही बचा हुआ है। जहाँ लोग आरती करते थे, जहाँ से लोग नज़ारा देखते थे, वो सब पूरी गंगा ने अपने आगोश में ले लिया है। आपको बताते हैं, देखिए आप, पूरी नाव जो है पूरी तरीके से डूब चुकी है। और यहीं सुरक्षा की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि सुरक्षा किस तरीके से तैनात है। किसी को भी अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। सारे लोग जो है वहीं पर रोक दिया जा रहा है, दूर से ही देखने के लिए लोग मजबूर हैं, कोई अंदर नहीं आ पा रहा है इस वक्त। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि क्या है। जी, अपना परिचय बता दें। मैं आशीष बिन, हाइजीनिक फूड स्ट्रीट अध्यक्ष आशीष बिन। इस वक्त कितना क्या चल रहा है गंगा का जलस्तर? जलस्तर तो काफ़ी नीचे चला गया था, जैसा कि हम लोग को जानकारी थी कि माँ गंगा की जो है हर साल पानी इस परिसर को छूती है, लेकिन इस बार उम्मीद नहीं की जा रही थी कि पानी यहाँ तक पहुँचेगी, क्योंकि बाढ़ के पानी एक बार ऊपर आने के बाद नीचे जा चुकी थी। और हम लोगों ने कहा कि ठीक है, अब तो कारोबार हम लोग का सुचारू से चलता रहेगा निर्बाध। कब से पानी, लगभग कितने दिन से पानी है अभी? पिछले 3 दिनों में इन्होंने रौद्र रूप धारण किया और जिस रफ्तार से इन्होंने पानी, मतलब गंगा में पानी की बढ़ोतरी हुई है, ऐसा प्रतीत होता है जिससे कोई डैम टूटा उसके पानी के प्रकोप में हम लोग आ गए हैं।
और पर्यटकों का इतना बढ़िया हजूम इस वक्त चल रहा था काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर के जो हमारे यहाँ डेवलपमेंट हुई है उससे इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर आ रही थी कि हम लोग बहुत ही गदगद और बहुत खुश थे। लेकिन आप पर्यटन को देखते हुए बहुत बढ़िया कारोबार चला, लेकिन अचानक माँ गंगा का रौद्र रूप ने जो है हमें विवश कर दिया कि हम अपने कार्य को समेट ले, अपने सारे व्यापार को यहाँ बंद करके कुछ देर आराम कर रहे हैं। खतरे के बिंदु से कितने नीचे अभी आप? अभी खतरे के बिंदु से अभी हम तत्काल पे आज की जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन अभी खतरे के बिंदु के नीचे हैं हम। लेकिन व्यवस्था ये है कि हम लोग अपनी व्यवस्था पैकअप करनी चाहिए। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी पूछिए। मैं अमरीश प्रजापति, मैं राजस्थान से आया हूँ घूमने, और ये गंगा नदी का उफान देखकर यहाँ पर जो अंदर आने की एंट्री नहीं है और काफ़ी जो है उफान है गंगा नदी का। तो कहाँ से राजस्थान से आए हुए हैं, आपको इस पर कैसा लगा कि यहाँ पर किस तरीके से गंगा ने किस तरह का रौद्र रूप लिया है? आप जिस हिसाब से जो है यहाँ घूमने के लिए आए हैं और गंगा नदी देखने के लिए आए हैं, लेकिन जो है यहाँ पर अंदर एंट्री नहीं है क्योंकि उफान होने की वजह से खतरे के निशान पर है गंगा नदी। आपको बता दें कि पर्यटक जो है वो पूरी तरीके से मायूस है, जो कि गंगा नदी राजस्थान से आए हुए हैं उसके बाद ये घूम नहीं पा रहे हैं। गंगा नदी इस वक्त आपको बताते हैं कि चेतावनी बिंदु से 2.25 मीटर नीचे बह रही है और खतरे के निशान से 100 मीटर नीचे बह रही है। वाराणसी से प्राइम टीवी के लिए आफताब आलम। खबर हरदोई से है, जहां जनपद को अपराध मुक्त कराने के लिए कोतवाली शहर पुलिस और एसओजी टीम द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली। पुलिस को 4 अंतरजनपदीय शातिर चोरों के गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार हुए चोरों के पास से भारी मात्रा में वाहनों के कलपुर्जे बरामद किए गए। कोतवाली शहर से एक ट्रक चोरी के संबंध में मेरे द्वारा पुलिस टीम को लगाया गया था, जिसमें आज कोतवाल शहर और मेरी स्वाट एसओजी टीम को भारी सफलता प्राप्त हुई है। 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से 2 अनीस और कामिल चोरी करते थे। इनके साथ साथ एक चोरी का टाटा 407 बरामद हुआ है, जिसका प्रयोग ये ट्रकों की चोरी में करते थे। साथ ही साथ शादाब और मुनीम नामक व्यक्ति पकड़े गए हैं, जो कि इनसे चोरी का एक ट्रक खरीदते थे और तुरंत उसको काट डालते थे। इनके पास से ये आज पैसा देने आए थे चोरी का, इस ट्रक का 1,27,000 रुपये बरामद हुए हैं। टाटा 407 बरामद हुई है और भारी मात्रा में जो कटे हुए ट्रक हैं उनके कलपुर्जे बरामद हुए हैं। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए मेरे द्वारा पुलिस को 25,000 रुपये का इनाम दिया गया है। खबर हरदोई के कोतवाली शाहबाद क्षेत्र से है, जहां एक युवक के गले में चाकू लगने पर गंभीर रूप से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं परिजनों का आरोप है कि शादी से इनकार करने पर प्रेमिका ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। साथ ही लड़की पक्ष ने तहरीर दी है कि युवती गर्भवती है, जिसके बाद युवक पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शाहबाद में एक लड़की से प्रेम संबंध काफी दिनों से चल रहा था, जिसमें लड़की प्रेग्नेंट थी और इसमें संभवतः इन दोनों के बीच में शादी की बात चल रही थी कुछ दिन पहले, किंतु इन लोगों ने मना कर दिया लड़के वालों ने। और इस पर लड़की पक्ष ने, लड़की की मां ने एक तहरीर भी दिया है, जिस पर 376 का अभियोग आज पंजीकृत किया गया है। और इसमें जो बता रहे हैं कि आरोप ये लगाया जा रहा है कि उसको चाकू लगा है, इस परिस्थिति की भी जाँच की जा रही है। खबर कन्नौज से है, जहां पुलिस की तत्परता से 3 परिवारों के चिराग सकुशल वापस मिल गए। आपको बता दें कि अपने मित्र के बहकावे में आकर तीनों नाबालिग घर छोड़कर खाटू श्याम चले गए थे, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से मामले की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच कर तीनों नाबालिग को खोज की। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।